को हासिल करने की कोशिश कर रही थी, बट यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम तो तभी होगा जब तू घर वापस आ जाएगा। एक्चुअली मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूं। बोलो। सिर्फ तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार मेरे उदय भैया हैं। सुल्तान भैया हमें माफ कर दो, हमने आपको इतना पीटा लेकिन आपने हमें पुलिस से बचा, हमें माफ कर दो सुल्तान भैया। कोई मुझे नहीं पता कि हमारे परिवार के बीच में क्या दुश्मनी है, लेकिन एक बात जरूर है कि दुश्मनी मैं खत्म करूंगा। मैं आपकी छोटी बहन हूं भैया, क्या एक बहन इतना पूछने का भी हक नहीं रखती। सब कुछ जानने के बाद भी मैं चुप नहीं हो सकती भैया। सिद्धांत को आपके आदमियों ने मारा, परसों पुरानी दुश्मनी को हम बनाए रखना चाहते हैं, क्यों हम पुरानी बातों को लेकर हमारा आज तक आगे ना चाहते हैं भैया। मुझे ये समझ नहीं आता कि इस नगर से आज बाहर बच्ची को मिलने वाला क्या था। मेरा आज आपको मुझे बताना ही होगा कि आपकी गलती क्या है, बस ये कि वो यहाँ आके इस गाँव के सारे मसले हल करना चाहता है। आखिर उसका गुनाह क्या है भैया? जब कर देगी बाबूजी। बाबूजी आप भैया को समझाते क्यों नहीं? इन्हें समझाइए कि कम से कम इस दुश्मनी की सजा सिद्धांत होना। फोन आया ना, मैं समझ गया था कोई ना कोई गड़बड़ है। कुछ स्टिचेस लगे थे और कुछ टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ गया और दादी एकदम Thank you.
तो गांव में है ना। जी मैं डैड को सब कुछ बता चुका हूँ। हमारा ऑर्डर इतनी जल्दी रेडी हो गया। नहीं वो तो होना ही था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। वैसे दादाजी आपने और मोहन चाचा ने कुछ कर किया, मेरी हिम्मत बढ़ाई। थैंक यू सो मच। धीरज रखने से ही आगे सब काम आसान होगा। हमारे बेटे की आवाज कह रही है कि वो बड़ा खुश है, क्या बात है? क्या पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिला है। इसी कंपनी के साथ काम करने जा रहे हैं। अच्छी खबर दे रही मोर। लेकिन पिताजी ये काम बहुत जिम्मेदारी का है। ये काम ना सिर्फ हमारी कंपनी को दाम देता है, इस काम को पूरा करने के लिए मुझे आपका और माँ का आशीर्वाद चाहिए। जानता हूँ पिताजी की आप मुझ नाराज हैं, लेकिन नाराजगी कैसी नाराजगी बेटे? अलग अलग रूप में बरसता रहता है, उसके पीछे भावना सिर्फ एक होती है, तरक्की पढ़ाई भलाई। अब इन सारी बातों को भूल जाओ और अपने काम पर। ईश्वर ने तुम्हें ये जो मौका दिया है अच्छी तरह से प्रणाम पिताजी।
नहीं बेटा, ये तो बहुत अच्छा मसाला है। अपने बेटे को लेकर नहीं पहुंच सोनाली ना होती तो कोई और डिजाइनर होता। मैं तो कहती हूँ कि सोनाली को आपका एहसान मानना चाहिए। तजुर्बा ना होते हुए भी आपने उसे इतना बड़ा मौका दिया, उस पर विश्वास रखा। वैसे भी मैं इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की क्रेडिट नहीं लेना चाहती हूँ। आज मैंने जो कुछ भी अचीव किया है आशा और मोहन चाचू की वजह से है। मैंने कुछ नहीं किया और सब चाहिए। पार्टी में देर हो जाएगी। Come on, let's go. बदल डाली। मैंने तो कुछ भी नहीं किया बाजी, लेकिन एक बात कहूँ, आप बहुत खुश नजर आए, इसलिए रंगत भी बदली लग रही है। अरे नन्हे, ये रसोई घर में रख। अरे कोई बात नहीं। सफर की थकान होगी, अपने घर आने में कोई थकान। नहीं दादी दादी दादी, बस वॉक में चलो, वॉक में चलो। अच्छा वो तो इतना ख्याल रखती है मेरा और अपने दादाजी का कि बस पूछ।
अब तो मोहन के साथ में हाथ बटा रही है उसके काम में। प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट उसमें हाथ बटा रही, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हमारे बीच क्या किया तुमने उन बच्चों को? मेरी सिड के प्रोफेसर से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि सिड सेमेस्टर जॉइन कर सकता। मैं सोच रहा था कि सिड को इस बार हम अपने साथ ले। अगर बच्चों के एक सोने घर का कैसे हो सकता है मिस्टर कपूर? हमने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया आपके साथ, इतना बड़ा अग्रीमेंट है, हमने हमने ऑर्डर भी तैयार कर दिया। Thank you.
करोड़ों की डील हुई है, कोई फेक कंपनी कैसे हो सकती है? तुम्हें तुम्हें मतलब ध्यान से देखा नहीं होगा, इतना इतना सारा माल लेके गए हो तुम वहाँ पर। करने आए थे ना तो उनका पता था और ना ही उनका कोई नंबर, सारे के सारे गए। कोई ना कोई रास्ता।